अब आपसी सामंजस्य के साथ ये गठबंधन हुआ है, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हों, कोई भी हैं, सब मिलजुल के हम लोग ये काम कर रहे हैं। जहाँ पर वायबिलिटी होगी, जहाँ पर लगेगा कि ये कैंडिडेट सबसे बढ़िया है, हम समझते हैं कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सब ठीक है, हम संतोष बहुत संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी को भी मनाने के लिए तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो उनके घर पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है वो संतोष सुमन के घर पहुँचे थे। उनसे बातचीत को लेकर के कहा यह जा रहा था कि मांझी भी कतार में लग गए थे उपेंद्र कुशवाहा और चिराग के बाद। सीट बंटवारे को लेकर के कहा यह जा रहा है कि बीजेपी और उसके साथी जो सीट बंटवारा कर रहे हैं उससे उसके घटक दल जो है वो साफ तौर पर नाराज हैं और कहीं ना कहीं इस नाराजगी को बीजेपी और उसके आलाकमान के सामने रख भी रहे हैं। तभी जो कवायद चल रही है तमाम घटक दलों को मनाने की, आप देख रहे हैं कि तमाम जो भाजपा के सीनियर लीडर्स हैं वो एक एक करके तमाम घटक दलों के साथ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ताकि जो है चुनाव से पहले इस पर कोई असर ना पड़े। जो एनडीए गठबंधन हो वो पूरे साबित कदमी के साथ आगे चुनाव में जाए और एनडीए का ढांचा जो है वो मुसल्लम रहे, उसमें कोई दरार नहीं आए। आपको बता दें, इसी तमाम चीज़ों को लेकर के तमाम जो कवायद है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि कल संजय जायसवाल जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे थे और चिराग पासवान को जेपी नड्डा ने बुला करके बातचीत की है, समझाया है सीट शेयरिंग को लेकर के। और आज नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो संतोष सुमन के घर पहुंचे थे। संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं जो कि अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। आपको बता दें कि तमाम कवायद कहा यही जा रहा है कि अगर इन तमाम कवायदों पर अमल नहीं करेगी भाजपा और एनडीए तो उसके जो घटक दल हैं वो उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं, वो उसे झटका दे सकते हैं। आपको बता दें कि तमाम मामलों को लेकर के नित्यानंद राय आज संतोष मांझी के घर पहुंचे थे, उनसे बातचीत हुई और मीडिया से बातचीत करने के दौरान संतोष सुमन ने साफ तौर पर कहा है कि यह गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है, हम लोग सब कोई एक साथ हैं। वहीं नित्यानंद राय ने भी इस चीज़ में हामी भरते हुए कहा है कि हम लोग सब कोई साथ हैं, ऑल इज़ वेल है और तमाम अफवाहों पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाला चुनाव जो है वो लड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं ये दोनों, आपको छोड़े जाते हैं इन दोनों के बयान के साथ। सब आपसी सामंजस्य के साथ ये गठबंधन हुआ है, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हों, कोई भी हैं, सब मिलजुल के हम लोग ये काम कर रहे हैं। कहीं पर कोई पेच नहीं है, जो जहां से लड़ना चाहेगा, जहां पर वायबिलिटी होगी, जहां पर लगेगा कि ये कैंडिडेट सबसे बढ़िया है, हम समझते हैं कि वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग डोरे डाल रहे हैं आप लोग, अब डोरे डालने दीजिए, डालने वाला का अपना काम है, मेरा काम है, हम जहाँ हैं वहाँ मजबूती के साथ। धन्यवाद। अभी संतोष भाई सब कुछ बहुत स्पष्ट किए कि हम सब एनडीए में, और अभी संतोष भाई बताए कि सब ठीक है, हम संतोष बहुत संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और हम सब भाई मिलकर जो भी तय करते हैं, जो पार्टी हमारी है एनडीए के साथियों के साथ मिलकर विचार कर जो होता है वो तय करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चिराग जी से बात की आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग जी से कहीं कोई नाराज नहीं। रैली में सब लोग धन्यवाद, सब लोग आएंगे रैली में, सब लोग आएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।